Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic, the double fertilization. Naam se clear hai, fertilization is the fusion of the male and female gamete. Aur double matlab kya hota hai, jab do bar fertilization ki process hoti hai, yani ki do bar fusion ka process hota hai, to usi ko hum log double fertilization bolte hain. Ab aapne angiosperms ke bare mein padha hoga, to angiosperms se pehle gymnosperm aate the. To gymnosperm mein kya hota hai, double fertilization ki process nahi dekhi jati hai. To angiosperm ka jo ek characterizing feature hota hai, wo hota hai presence of double fertilization, kyunki double fertilization naam ki jo process thi wo angiosperm se hi स्टार्ट हुई थी, राइट. और यहाँ पे क्या होता है कि एक ही टाइम पे दो फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब दो तरीके से मेल गैमेट दो अलग अलग चीजों से जाके फ्यूज करता है. अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले आप लिखोगे कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म का एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म होता है. द प्रोसेस इन विच अ फीमेल गैमेटोफाइट फ्यूजेस विद द टू मेल गैमेट. जब एक पर्टिकुलर प्रोसेस जहां पे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो जाके दो मेल गैमेट से फ्यूज करता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. आफ्टर द एंट्री ऑफ द पोलन इनटू द एम्ब्रियो सैक विया पोलन ट्यूब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन अकर. तो डबल की सबसे पहले डिस्कवरी जो थी नेवेस्टन ने की थी 1898 पे इन फ्रिटलेरिया और लिलियम. तो ये चीज याद रखना कि डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस थी उसकी डिस्कवरी नेवेस्टन ने की थी 1898 पे इन फ्रिटलेरिया एंड लिलियम. ओके, नाउ द टू मेन प्रोसेस ऑफ अंडर द डबल फर्टिलाइजेशन आर एक सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन होता है और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन. तो देखो दो हो रहे नहीं हो रहे, पहला फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन. तो ये दो सब कैटेगरी होती है यहाँ पे अंडर द डबल फर्टिलाइजेशन, कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा जिसको सिंगैमी बोलते हैं और दूसरा जो यहाँ पे इवेंट होता है वो होता है ट्रिपल फ्यूजन. तो सबसे पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि व्हेन वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द डिप्लॉइड जायगोट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. जब एक मेल गैमेट जाके एग के साथ फ्यूज करता है और उससे डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. दिस जायगोट फर्दर डेवलप टू फॉर्म एन एम्ब्रियो. ये जो जायगोट होता है ये फर्दर ऑन जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. तो ये चीज आप जरूर मेंशन करना कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो पहली प्रोसेस फर्टिलाइजेशन की होती है, इसको स्ट्रेस बर्गर ने 1884 पे डिस्कवर किया था. यहाँ पे जो एक मेल गैमेट होता है वो जाके एग के साथ यूज करता है और फ्यूजन के बाद क्या होता है, डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन करता है. यही जायगोट फर्दर ऑन जाके डेवलप करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, राइट. तो मैंने यहाँ पे इसका एक जनरल फ्लोचार्ट बनाया है, आप देख सकते हो कि एक एन मतलब हैप्लॉइड कंडीशन, टू एन मतलब डिप्लॉइड कंडीशन. तो एग न्यूक्लियाई था जो कि हैप्लॉइड कंडीशन पे था, मेल न्यूक्लियाई जो कि हैप्लॉइड कंडीशन पे था, दोनों फ्यूज करेंगे तो हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड डिप्लॉइड बनाएगा, यानी कि जायगोट. जायगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है. यही जायगोट फर्दर ऑन जाके डेवलप करते हुए क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट. तो अगर फर्टिलाइजेशन आता है तो आप इस फ्लोचार्ट को भी मेंशन कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, और इसकी डेफिनेशन बताओ कि इसको सबसे पहले स्ट्रेस वर्कर ने डिफाइन किया था. और यहाँ पे मेल गैमेट क्या होता है, वो एक्सेल से फ्यूज करके क्या करता है, जायगोट बनाता है, जो कि फर्दर ऑन जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है. अब हम इसकी सेकंड प्रोसेस पढ़ते हैं जो कि आता है ट्रिपल फ्यूजन. व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, अब आप लोग वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा मैंने यहाँ पे क्या लिखा है. बिकॉज़ चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे का पढ़ते हैं, राइट. तो ट्रिपल फ्यूजन क्या हो जाता है, द टू पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म ईच पोल फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टू द सेंटर एंड फ्यूजेस टू फॉर्म अ पोलर न्यूक्लियाई. इसके लिए क्या है, आप लोग जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है ना हम लोग का, उसकी प्रोसेस आपको पूरी बतानी जरूरी है. तो आप आराम से पता कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है. लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ. जब हम लोग एक प्रॉपर एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या, जब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, तो एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन से पहले क्या होता है, एक सिचुएशन आते हैं जहाँ पे एंटीपोडल और दो रीजन होते हैं, एंटीपोडल होते हैं, माइक्रोपैलेट रीजन होता है. एंटीपोडल की तरफ चार सेल होती हैं, चार न्यूक्लियस जाते हैं, और माइक्रोपैलेट की तरफ क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस जाते हैं. अब इन दोनों साइड से क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आते हैं. उस सेंटर न्यूक्लियस क्या होता है, उसकी डिप्लॉइड कंडीशन होती है, टू एन, उसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, राइट. अभी वैसे क्या होते हैं, वो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी प्लॉइडी कैसी होती है, टू एन होती है, उसी को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं. उसकी सेल को हम लोग सेंट्रल सेल या फिर पोलर न्यूक्लियाई सेल बोलते हैं, राइट, या पोलर सेल बोलते हैं. नाउ दिस टू पोलर न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच पोल विल माइग्रेट टू द सेंटर एंड फ्यूजेस टू फॉर्म अ पोलर न्यूक्लियाई, जो कि डिप्लॉइड कंडीशन में एक्जिस्ट करता है. द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है. तो आप एक चीज देखो कि पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या है, 2n है, मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या है, n है. दोनों फ्यूज करके क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसकी प्लॉइडी कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है, ठीक है. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि जो प्लॉइडी होती है एंडोस्पर्म की वो हैप्लॉइड होती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एडवांस एंडोस्पर्म जो होता है उसकी प्लॉइडी कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है. तो इसका एक समरी मैंने यहाँ पे दिया है कि दिस एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये जो एंडोस्पर्म होता है ये नरिशमेंट एम्ब्रियो को क्या करता है, डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है. तो अगर आप एक समरी निकालोगे तो क्या हो जाता है कि मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ यूज करता है जिसकी प्लॉइडी 2n है,
तो वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है, यानी कि पीईएन, पेन बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, जिसकी प्लॉयडी कैसी होती है 3N। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई होता है फर्दर ऑन डिवाइड करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जो कि कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो आप हमेशा याद रखना डबल जो फर्टिलाइजेशन होती है इसकी प्रोसेस नेवास्टीन ने डिस्कवर की थी। इसके अंदर दो सब प्रोसेस आती है, फर्टिलाइजेशन और एक ट्रिपल फ्यूजन। जो फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे मेल गैमेट जो होता है वो एग न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो कि जायगोट बनाता है, फर्दर ऑन डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन जो इसका सेकंड प्रोसेसर होता है ट्रिपल फ्यूजन, उसमें जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई यानी कि पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड सिचुएशन बनाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो फर्दर ऑन डेवलप करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। अब इसकी मैंने एक लास्ट में एक छोटी सी समरी देर की, अगर आपसे डबल फर्टिलाइजेशन पूछे तो आप इस चीज को मेंशन जरूर कर देना कि सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन मिलकर क्या बनाता है, डबल फर्टिलाइजेशन बनाता है। ठीक है, तो सिनगैमी में क्या होता है, जाइगोट बनता है जो कि एम्ब्रियो बनाता है, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई बनता है जो कि एंडोस्पर्म बनाता है। तो एज अ रिजल्ट जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसके दो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वहीं मैं आपको इस चीज का आंसर दूंगी कि आप लोगों ने सही बोला या नहीं बोला। तो अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द टू प्रोडक्ट्स ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, तो आप क्या बोलोगे इसमें, कौन से दो प्रोडक्ट होते हैं, तो इस चीज के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इससे मुझे ये भी पता चलेगा कि आप में से कौन मेरी वीडियो पूरी तरीके से देखता है और कौन स्किप कर देता है। राइट, दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल please like, share and subscribe. Each and every like give us motivation to make more and more video. Thank you.